इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली थी भूल भुलैया 2 को 14.11 करोड़ के साथ। तो क्या इस मूवी के ओपनिंग को बीट कर पाएगा ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा? चलिए बताते हैं क्या कुछ चल रहा है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग वेट, फाइनली मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र अब रिलीज़ होने को तैयार है। कुछ ही दिनों के अंदर ये मूवी रिलीज़ होगी और इस 9 तारीख को लेकर काफ़ी ज़्यादा फैंस में एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। इस मूवी को लेकर काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट है। अभी तक ऐसे टाइप की मूवी को हमारे बॉलीवुड में नहीं बनाया गया है। इंडियन सिनेमा के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा अगर ये मूवी ने वर्क करा तो। वेल, पोस्ट पैंडमिक की अगर बात करें तो ज़्यादा कुछ कमाल स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर नहीं कर पाई है कोई भी बड़ी मूवी इस साल। तो ऑफकोर्स सिर्फ भूल भुलैया 2 और कश्मीर फाइल्स अपना कमाल दिखा पाई। एक डिसेंट बिजनेस गंगूबाई काठियावाड़ ने किया था। एंड ऑफकोर्स पोस्ट पैंडमिक जो पहली मूवी आई थी सूर्यवंशी, उसने एक बड़ा रिकॉर्ड सेट किया। और उसके अलावा क्या कोई और बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी ब्रह्मास्त्र? क्या सूर्यवंशी को बीट कर पाएगी? क्या भूल भुलैया 2 को बीट कर पाएगी इज़ द बिग क्वेश्चन। बता दें आपको कि अगर हम बात करें आरआरआर की, सो आरआरआर जब आई थी हिंदी डब 20 करोड़ की उनकी कमाई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स 28.35 थी। एंड KFG हिंदी 53.95 करोड़, जो अभी तक की सबसे बड़ी कमाई है। तो शायद KFG 2 को बीट नहीं कर पाए, लेकिन ट्रेड एनालिस्ट की अगर हम देखें, बिजनेस एनालिस्ट जो मूवी मेकिंग में है, मूवी बिजनेस में, माफ़ कीजिए, उनके चलते ये बात ऐसे सामने आ रही है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट 25 करोड़ तक ये मूवी कमा पाए। और लास्ट ईयर सूर्यवंशी जो 26.29 करोड़ के साथ ओपन की थी, शायद इस मूवी को भी बीट कर सके या फिर RRR की कमाई को बीट कर सके। ऑफकोर्स भूल भुलैया की कमाई को ब्रेक कर सकती है। KFG 2 के साथ कम्पीट करना इतना आसान नहीं होगा, बट बाकी मूवीज़ के साथ कम्पीट करना थोड़ा बेहतर हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ के साथ ओपनिंग डे शुरू हो सकता है ब्रह्मास्त्र का, इस तरीके से सामने खबर आ रही है। अब आपकी इस पर क्या है राय? क्या आप इस मूवी को देखने के लिए हो एक्साइटेड? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई सी यू गाइस सून।